यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो किस तरह का समय था? मैंने सुना है कि आपके माँ बाप की जो तबीयत भी ठीक नहीं थी और तैयारी के दौरान अस्पताल में आपकी रातें गुजरी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, इनिशियल स्टेजेस आया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड सारे एग्जाम किए, वो भी पीएससी से रिलेटेड ही आयोजित होते थे। तो उस समय पे घर पे ऐसा कुछ सिचुएशन आई थी, ऐसी स्थिति आई थी कि एग्जाम के टाइम पे ही जो है मम्मी पापा का तबियत खराब हुई और थोड़ा से जो है मैनेजमेंट काफी गड़बड़ा गया था उस समय पे। तो उस वर्ष मुझे इच्छित सफलता नहीं मिली, बट मैंने अपने जो हार्ड वर्किंग जी प्रकृति थी जो मेरी, और जो मेरा परिश्रम करना कंटिन्यू जारी रखा एक धैर्य के साथ, जी और निश्चित रूप से उसका परिणाम मिला मुझे, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। अब आप एक नवनियुक्त अधीक्षक, जेल अधीक्षक बन गए हैं, तो किस तरह का, मतलब जब आप जेल में काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव आपको अभी देखने को मिलता है? देखिए, मैं बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो शुरू से ये था कि जैसे कि आप सब जानते हैं, राज्य सेवा परीक्षा में दो प्रतिष्ठित पद होते हैं, डिप्टी जी कलेक्टर, डिप्टी एसपी का। तो सभी की ये चाह रहती कि अच्छा रैंक लाने के बाद उस पोस्ट पे जाएं, तो उस तरीके की प्रवृत्ति के साथ मैंने भी ज्वाइन किया। पर जब जैसे ही जेल विभाग को मैंने ज्वाइन किया तो देखा कि यहाँ पे भी काफी सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी जी चीजें हैं जो एक लोक सेवक के रूप में की जा सकती है, और जी काफी चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि अन्य विभागों में हम सिर्फ फाइलों के साथ डील करते हैं, यहाँ हमको एक जिंदा ह्यूमन बींग, जिंदा मानव के साथ डील करना है, उनको रखना है एक परिवार की तरह, उनके अधिकारों उनके उनसे अवगत कराना है। और एक, क्योंकि वर्तमान में जेल प्रशासन जी से बड़ा मोटो है सुधारात्मक, आप सभी जी जानते हैं करेक्शनल, तो जी किसी भी मानव की जीवन शैली में सुधार करना, उसको वापस से समाज की राह में लाना, ये एक बहुत जी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो मैंने इसको कंटिन्यू करने का सोचा है आगे। 9 माह का प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण जो हुआ किस तरह का प्रशिक्षण था, कैसा जो प्रशिक्षण होता है, किस तरह से आपको सिखाया गया, क्या बताया गया, उसके बारे में लोग हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जी जो छत्तीसगढ़ में जो जेल अधिकारियों की प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध ना होने के कारण से, यहाँ जी से जितने भी अधिकारी होते हैं, जेल अधीक्षक का पद होता है और जी सहायक जेल अधीक्षक, ये सब प्रशिक्षण के लिए जाते हैं लखनऊ, जहाँ जी पे डॉक्टर पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि एशिया का सबसे पहला कारागार जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जी तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है 9 माह की। तो उसमें प्रारंभिक स्टेज पर फिजिकल प्लस वहां पर जो जेल से संबंधित जो भी धाराएं हैं, जैसे जेल जी मैनुअल, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, उसके जी साथ साथ प्रैक्टिकल विजिट्स अन्य अन्य राज्यों की जेल, जैसे वहां की स्थिति अभी कैसी है, वहां की जी जेलों का संचालन किस तरीके से होता है, ये जी सब बातें हमने सीखी, और निश्चित रूप से वो आगे हमारे भविष्य में काफी लाभदायक सिद्ध होगी हमारे लिए। जी आपने खुद कहा कि जब आप जेल अधीक्षक बने, उसके बाद आप गांव गए, तो क्या रिएक्शन रहा गांव वालों का, किस तरह से लोग वो देख रहे थे जेल अधीक्षक बनने के बाद? देखिए, अभी तक जब स्टार्टिंग में जिस दिन लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर किया और जब जी अलॉटमेंट पर अधीक्षक के पद का, तो लोगों के मन में एक वही था कि वर्दी वाली जॉब है, जी और आस के क्षेत्र से, जैसे जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र में जी मतलब अभी तक इस कैडर से कोई भी नियुक्त नहीं हुआ था, तो जी एक काफी उसी का भी माहौल था। और लोगों के मन में एक वो भी था कि उनको भी ये पता है कि जेल विभाग एक चुनौतीपूर्ण विभाग है, क्योंकि जी आपके सामने जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी, तो खुशी जी तो सब की इस क्षेत्र से, इस विभाग में जो आप मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी छत्तीसगढ़ की ही, मतलब आप छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, दो जो जेल अधीक्षक मिले छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की धरती से, और आपने कहा कि पीएससी की आपने तैयारी की, किस तरह की तैयारी की हमारे जो छात्र हैं, अगर इस तरह इस फील्ड में जाना चाहे तो उनके लिए किस तरह क्या करना होगा, ऐसे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? देखिए, अभी सबसे पहले हमारे यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है ना, तो की तैयारी में आज लाखों युवा जो हैं हमारे राज्य के बड़े बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे। तो जी सबसे पहले मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जी इस पर्टिकुलर स्टेज का एक अपना महत्व है, तो आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करें, और साथ जी ही अपने लक्ष्य को ये निश्चित करें कि हमें इस फील्ड को करना ही है, हमें इस एग्जाम जी क्रैक करना ही है, जी और इधर उधर बहकावे में ना आकर के आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपना प्रॉपर शेड्यूल बना करके आप पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी मैंने अपने लास्ट में यूट्यूब में भी मेरे कुछ कुछ वीडियोस हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जब मैं रहा था तो उसमें भी मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि किस तरीके से जी करना चाहिए। और चूंकि मैं तो एक ही शब्द हर बार बोलता हूँ, पीएससी
स्टार्टिंग में पी से पेशेंस, धैर्य, जी जिसके पास धैर्य है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में सफलता जरूर प्राप्त करेगा। जी आपने बताया कि स्टार्टिंग से आप जो है इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने स्टार्ट की थी, आप इंजीनियर के स्टूडेंट भी रहे, तो आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की, कैसा सफर रहा, स्टार्टिंग आपने कब सोचा कि आपको इंजीनियरिंग करनी है? देखिए, जैसे ही 12th मैंने 2009 में मैंने 12th का एग्जाम पास करने के बाद जो है वहाँ पे CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो कॉलेज था, छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से 2009 से जी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई प्रारंभ की और 2013 में लगभग मेरा जो है ग्रेजुएशन खत्म हुआ। तो उसके जी पश्चात मैंने जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे गेट हो गया, गेट के एग्जाम्स मैंने दिए और साथ ही जी साथ मैंने एक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा थी सहायक प्राध्यापक की, जिसमें भी जी मेरा ओवरऑल 31 रैंक लगा था, बट बाई डिफॉल्ट मेरा सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हो पाया था। जी तो वो एक फील्ड था जिसमें मुझे जाना था पहले, लेकिन जी जब उसी समय पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं इस फील्ड में भी अपना हाथ आजमा सकता हूँ, और जी मैंने वो किया। और चूंकि मैंने कोई ज्यादा समय में कन्वर्ट ज्यादा समय मैंने नहीं लिया है अपने आप को कन्वर्ट करने में, तो वही जी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति अगर आपके पास है, जी तो आप कम समय में भी जो है अच्छी तैयारी करके अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं लोक सेवा जी आयोग। आप खुद एक किसान परिवार से हैं, तो जब किसान परिवार से हैं तो क्या क्या पढ़ाई में कोई दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतें आई, और जिस तरह से आप कह रही थी पीएससी की जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके माता पिता जो है बीमार थे, उस समय क्या स्थिति थी? देखिए, ऐसे तो बेसिकली दिक्कतें नहीं आई क्योंकि मेरे पिताजी फार्मर हैं और माताजी जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, जी तो घर में तो प्रॉपर अच्छा माहौल रहा है स्टार्टिंग से ही पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो भी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और जी भी जो है मेरे परियोजना अधिकारी हैं, तो हमेशा सपोर्ट रहा और जी एक प्रॉपर गाइडेंस हमेशा मिलता रहा। बट हाँ, जी जब स्वास्थ्य बिगड़ा बिगड़ा घर में माता पिता जी का, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम उस टाइम हुई थी कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो बट भी एक पेशेंस रहा और किस्मत बोल सकते हैं, और ऊपर वाले का साथ रहा, तो वो जी तैयारी जो है कंटिन्यू हो पाई मेरी। आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपने कहा कि आप पढ़ाई के लिए फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहरों में शहर में आए, तो स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही जब आपने सोचा कि हाँ मुझे यही करना है, तो कब सोचा आप? देखिए, स्टार्टिंग जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर हम जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरी पूरी स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, तो एक जी कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है। जब हम जी बड़े शहरों में जाते हैं तैयारी के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, जबकि जी हमें वो चीजें अच्छी से पता है। ये चीजें ना कि मेरे साथ हुई बल्कि सभी के साथ होती है, जी तो उस जगह पे जा करके हमको अपने आप को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे कि जी लाइक जैसे मैंने स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एंटर किया, तो एक बहुत बड़ा टारगेट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, तो जी वहां सबसे बड़ा था कि आपका मीडियम कन्वर्ट होना था। देन जी मीडियम में स्टेब्लिश होने के बाद फिर से आपको राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी में आने के बाद मैंने फिर से अपने आप को कन्वर्ट किया इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि जी मेरी जो स्टार्टिंग जो है मदर टंग है वो हिंदी रही है और जी स्कूल मीडियम भी हिंदी रहा है, तो मुझे ये जी बेहतर लगा कि इंग्लिश की जगह जो है हिंदी मीडियम से परीक्षा देना सही होगा। तो जी बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन वो दिक्कतें का सामना आप तभी कर पाएंगे जब आप उनसे लड़ेंगे। तो जी वो उनसे आप लड़ें और बिल्कुल आपको जो भी प्रतिभागी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य सफलता मिलेगी। आपकी 18वीं रैंकिंग आई थी पीएससी में, तो उस समय किस तरह से, मतलब पहली बार जब रैंकिंग सुन के कैसा फील हुआ था आपको? जैसे ही मुझे आज भी याद है, 21 जनवरी 2020 की रात को 9:30 बजे रिजल्ट जी आया। हम शाम से इंतजार करते कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, तो एक जी एक्सपेक्टेशन तो शुरू से था कि टॉप 10 या टॉप 20 में स्थान बन सकता है, क्योंकि काफी अच्छे एग्जाम हुए थे और इंटरव्यू हुआ था। तो जी जैसे ही आया तो निश्चित रूप से एक ऐसा सपना पूरा हुआ जिसकी हर किसी को एक चाह रहती है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ उसका एक सुखद परिणाम मिले। तो वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैं चाहता हूँ कि हर प्रतिभागी जी के किस्मत में हर दिन में ये दिन आए। जी अब जब पेरेंट्स ने सुना कि आपको 18वीं रैंकिंग आई है, खुद आपकी बहन भी आप लेके खाद्य अधिकारी है, किस तरह का रिएक्शन रहा उन लोग का? जी काफी खुश हुए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक शॉकिंग भी था कि मतलब एक रहता है कि अचानक से ये था कि इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिली, तो एक जी शॉकिंग था और काफी खुशी का माहौल था। माता पिता भी जी बहुत काफी खुश
हुए, परिवार वाले, स्पेशली जो मेरे गांव के जो लोग थे वो काफी खुश थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था उनके लिए। क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तक हमारे जो प्रॉपर गांव से, जो जबकि मैं प्रॉपर बचपन से ही वहीं पला बढ़ा हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो मुझे आज भी वो लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए और हमारे लिए, गांव के लिए। तो ये एक मतलब सबके लिए बहुत ही एक सुखद पल था जब सिलेक्शन हुआ। आप लखनऊ गए, तो जब आप ट्रेनिंग के सेक्शन के समय लखनऊ गए तो कैसा एक्सपीरियंस है वहां पे? जब स्टार्टिंग में आप गए तो किस तरह का अनुभव आपको देखने को मिला वहां पे? ये लखनऊ जब हम स्टार्टिंग गए, तो निश्चित तौर पर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो कुछ परेशानियां होती है, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में हम लोगों को जो ट्रेनिंग करना होता है, वहां के उत्तर प्रदेश के जेल कैडर के अधिकारियों के साथ भी ट्रेनिंग करना, तो थोड़ा सा मिक्सअप होने में समय लगा। जी बट एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहां पर, जो हमारे डायरेक्टर सर थे, जो उत्तर प्रदेश जेल महानिरीक्षक हैं, उनका काफी सपोर्ट रहा। उन्होंने काफी एक अच्छा जो जो मार्गदर्शन होता है एक अभिभावक की तरह, उन्होंने हमें जेल विभाग से अवगत कराया। और जी निश्चित रूप से आज की स्थिति है कि आज हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जेलों की स्थितियां और वहां की जो कार्य जी प्रणाली वो समझते हैं, तो निश्चित तौर पर जी वो हमें भविष्य में यहाँ पर जैसे कुछ हमें कुछ नवाचार लाना है जेल प्रशासन में, तो वो उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग सेशन नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए ये सब चीजें, ताकि यहाँ पर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यहीं आके ट्रेनिंग लें और उन्हें जमीनी स्थिति पता चले? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज पर बिल्कुल बात, जैसे कि हम विभाग में आ चुके हैं, तो बिल्कुल आगे आने वाले समय में इस पे इस बात रखी जाएगी, उच्च स्तर पर वाला अधिकारियों से इसको अवगत कराया जाएगा कि अगर यह जो प्रशिक्षण जो संस्थान है अगर हमारे राज्य में ही खुल जाए, तो जी हम यहाँ की स्थिति से उनको अवगत करा सकते हैं। और साथ ही जी साथ जैसे कि अभी प्रशिक्षण हम अदर स्टेट में करते हैं, तो उनका कुछ समय का प्रशिक्षण अदर स्टेट में भी हो, जी पर उनकी उनका जो आधारभूत जो मूलभूत प्रशिक्षण होता है जी वो यहाँ पे हो, तो इससे फायदा ये होगा कि हम और अच्छे तरीके से जो है अपने नियमों से अवगत हो सकेंगे कि किस प्रकार के जी नियम जो हैं बंदियों के लिए हैं, बंदियों को किस प्रकार से छुट्टियां दी जाती है, पैरोल दिया जाता है, तो ये सब चीजें जो है बेसिक जानकारी जो है उसमें हमारी वृद्धि हो सकती है। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आप अभी वर्तमान में कौन से जेल अधीक्षक हैं, किस जेल के अधीक्षक हैं अभी आप? वर्तमान में तो मेरी पोस्टिंग जो है जिला जेल बैकुंठपुर है कोरिया में, पर जी क्योंकि अभी हम लोग प्रशिक्षण जस्ट समाप्त करके ही पहुंचे हुए हैं, तो वर्तमान में हमारी जो व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है वो केंद्रीय जेल रायपुर में चल रही है। तो जी अभी वर्तमान में हम केंद्रीय जेल रायपुर में ही हैं, जितने भी नवनियुक्त जेल अधीक्षक और सहायक जेल अधीक्षक हैं। अब जी यहाँ से जो है समय के पश्चात जो है हमें अपने अपने जगह अलॉट करके भेजा जाएगा जिम्मेदारी अभी संभालने के लिए। जैसे जेल, अभी आप रायपुर में बात करें, जेल वहां पे हैं, किस तरह का देख रहे हैं, देखने को माहौल मिल रहा है आपको? और जब आप अपराधियों से मिलते हैं तो किस तरह का रहता है आपके मिलना मिलाप? देखिए, हमने जब जब स्टार्टिंग में जब पिछले वर्ष जनवरी में ज्वाइन किया, तब से हमें जेल का अनुभव हो चुका है। जैसे मैंने जी पहले ही बताया था, पहले दिन जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो एक दिमाग में एक नेगेटिविटी थी कि जी हाउ टू डील, कैसे डील किया जाए बंदियों से, कि बंदी एक हमने क्योंकि हमने तो सिर्फ कागज में यही पढ़ा था कि बंदी खतरनाक होते हैं, समाज से बिछड़े हुए लोग होते हैं, जी क्राइम करके आते हैं। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो जमीनी स्तर पर हमने देखा कि वर्तमान में अधिकारसत्ता जो वहां पर बंदी है वो परिस्थिति के हिसाब से जो है वो बंदी बने हैं या उन्होंने जी क्राइम किया है, तो उनको उनको ये पर्याप्त मौका दिया जाए कि समाज में फिर से वापस आ सके। तो जी फिर हमने वहां पे माना कि वर्तमान में केंद्रीय जेल रायपुर में बहुत सारे उद्योग सेक्शन चलते हैं, तो उनमें उनको रोजगार प्राप्त है। और जी जहां तक कि हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस संचालित होते हैं, तो जितने भी सरकारी विभाग के जो आंकड़े हैं, जो भी कागजात छपते हैं, वो केंद्रीय जेल रायपुर से ही छपते हैं। जी तो और पर्याप्त रूप से रोजगार जो है यहाँ पर इनको मिला हुआ है, तो जो उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा कि जब भी जी वो अपना सजा पूर्ण करके बाहर जाएं तो समाज में आसानी से घुल मिल सके। और आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि आपने जी देखा भी होगा, केंद्रीय जेल रायपुर के बाहरी कैंपस में हमारे यहाँ पे एक आस्था मंगोड़ी सेंटर और कैफे संचालित होता है, जी जो दो से एक दो बार उसमें कवर किया जा चुका है, तो वो जी बंदियों द्वारा संचालित होता जी है। तो ये सब चीजें देखने को मिली तो वास्तव में लगा कि बंदियों के सुधार जी और बंदियों का जो मानवाधिकार, जो प्रत्येक व्यक्ति का जो मानवाधिकार होता है कि उसको जी किस तरीके से अच्छी जीवन शैली मिले, तो जी वो जाने के बाद एहसास हुआ कि जेल प्रशासन में भी करने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत चुनौतियां हैं। जी तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं, अनुभव आपका जो अभी हो रहा है,
वैसा ही अनुभव अन्य लोगों को भी हो, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए जो आज की जनरेशन, अभी की जो जनरेशन है, अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो उन्हें किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि आगे वो क्या और क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप राज्य सेवा परीक्षा या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज या संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जी मैंने पहले ही बताया कि आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है और किस तरीके से मुझे अपना समय देना है। तो जी पहले तो आप यह निश्चय करें कि किस फील्ड में मुझे आना है। यदि आपको जी राज्य सेवा परीक्षा में आना है, तो आप पहले दिन से ये समझ के चलिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो जी उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इन गुणों को आप जाने। जैसे कि सबसे पहला चीज मैंने बताया था, पी से धैर्य। धैर्य जब जिसके अंदर है, वह व्यक्ति ही जो है सफल हो पाएगा, जी स्पेशली राज्य सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो वो चीजें ध्यान रखें, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, बुक्स का मटेरियल का सिलेक्शन बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि मार्केट्स में काफी सारी किताबें मिलती हैं, काफी सारे संस्थान भी हैं, लेकिन आप सिलेक्शन, और जो सिलेक्टेड हो सिलेक्टेड रह चुके हैं या जी कैंडिडेट हैं, सफल हो चुके हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें कि किस तरीके से तैयारी करें। और सबसे बड़ी भूल मैं एक बताता हूँ, लोग ये करते हैं कि जो सिविल सेवा परीक्षा का जो परीक्षा पद्धति होती है, लोग उसको अलग अलग मान के चलते हैं। जी प्रारंभिक परीक्षा अलग, परीक्षा अलग है, साक्षात्कार अलग है। तो जी इसको, ये गलती करें और इस सबको एक ही परीक्षा मान करके इंटीग्रेटेड जी इसके पढ़ें। जैसे कि आपने कहा कि आप तैयारियों की बात करें, तो आपने किस तरह की तैयारी की थी वो भी हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि जो ये देख रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं, उन्हें जो है उस जब वो तैयारी करें तो एक प्रॉपर तैयारी उनके पास हो। देखिए, मेरा ये एक वो रहता था कि मुझे दिन में, मैंने एक टारगेट, मैं टारगेट सेट कर लेता था कि आज मुझे कितना पढ़ाई करना है। अब उसके लिए जी मुझे 10 घंटा पढ़ना हो या 12 घंटा पढ़ना हो, जी बस ये मेरा ये रहता था कि अगर मैं 10 घंटा पढ़ूं तो वो क्वालिटी टाइम हो, कि जी वो 10 घंटा क्वालिटी से पढ़ूं। मेरा ये टारगेट नहीं रहता था कि मैं 14 घंटे 16 घंटे पढ़ूं, बस ये जी रहता था कि आज मैंने दिन भर में मॉर्निंग में उठ के जो टारगेट सेट किया है, वो किसी भी हाल में आज खत्म होना चाहिए। जी तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी और यही स्ट्रेटेजी से मैंने शुरू से पढ़ाई की। तो मैं वही कहूंगा कि आप अपना टारगेट सेट करें पर डे वाइज। ऐसा नहीं है जी कि आप ईयर वाइज, मंथ वाइज टारगेट सेट करें या डे वाइज, आप हर दिन एक अपना सुबह उठ के टारगेट सेट करें कि आज मुझे इसकी तैयारी करनी है, और आप अपने प्रॉपर खुद के प्रॉपर नोट्स तैयार करते हुए आगे बढ़े, तो वो निश्चित तौर पर आपको लाभदायक सिद्ध होगी और एक बड़ी सफलता मिलेगी समय के साथ। जी तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो अगर आप प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करते हैं तो उससे एक बड़ी सफलता मिलेगी, साथ ही अगर पढ़ाई का तरीका जो है 10 घंटे या जितना भी आप पढ़ना चाहे, आपको लगे तो उतना पढ़ना, आप कह रहे हैं कि इतना पढ़ना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअल में गलती क्या होती है, मैंने जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोग जी जो है परीक्षा पद्धति को नहीं समझते हैं, जी हर क्योंकि वर्तमान में जो है बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है, तो सबको जी यह चाह रहती है कि किसी स्थिति में कोई भी नौकरी मिल जाए। जब हम भी जी तैयारी कर रहे थे, हमारे मन में भी यही प्रश्न हमेशा रहता था कि जो भी नौकरी आए हमको मिल जाए। जी परंतु आपको ये समझना होगा कि आप किस परीक्षा के लिए बने हैं, ये जी जज करें आप। और बिल्कुल, अगर आप लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जी तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो वही एक सबसे बड़ी आपके लिए सफलता, आपके तैयारी की सबसे बड़ी पहली सफलता वही है। जी तो धन्यवाद अक्षय राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ आपको बधाई कि आप नियुक्त जेल अधीक्षक बने हैं उसके लिए। तो लगातार ऐसे ही बने रहेगा साधन इसके साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू बहुत बहुत स्टूडियो। धन्यवाद आपका।